हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत हूं। आज मैं एमएक्स एक्सेल की शीट समझाऊंगा आपको, तो चले चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। करने के बाद यहां से हम, जैसे कि मैंने कॉलम रोज वगैरह पहले एक वीडियो में मैंने आप सबको समझा दिए थे, तो सबसे पहले हम यहाँ से इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसे मर्ज कर लेते हैं ना। मर्ज करने के बाद शीट का नेम लिख देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा एड शीट। हम आज सीखेंगे एड शीट, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर बॉर्डर्स भी लगाएंगे और सेंटर में कर कलर वगैरह ऐड कर देंगे, साइज इसका बड़ा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ टाइप करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये डेट ऑफ बर्थ टाइप कर ली ना, ये डेट ऑफ बर्थ टाइप करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले तो हम निकालेंगे ईयर, उसके बाद निकालेंगे मंथ, उसके बाद निकालेंगे डे, उसके बाद निकालेंगे बर्थडे, मतलब कि दिन कौन सा था। उसके बाद हम यहाँ पर ईयर पर आएंगे। ईयर पर आने के बाद यहाँ पर लगता है फार्मूला। फार्मूला कैसे लगाएंगे, सबसे पहले इजिकल टू डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन, उसके बाद फार्मूले मतलब कि जो आपने डेट लिखी हुई है उसे क्लिक करना होगा, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर टू डे टाइप करेंगे ना, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, फिर उसके बाद वाई टाइप करेंगे, वाई का मतलब है ईयर्स, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज कर आप जैसे ही आप इंटर करोगे तो आपको ईयर बता देगा भाई कितने साल उम्र हो चुकी है इस डेट के हिसाब से। तो ये आपको जैसे ही आपने इंटर किया तो ईयर बता दे, ऐसे ही फार्मूला लगेगा आपके मंथ के ऊपर। जैसे कि आपका लग गया डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन, डेट को क्लिक किया आपने, कॉमा लगाया, टू डे टाइप किया, ब्रैकेट ओपन क्लोज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वाई एम इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज इंटर इज इक्वल टू डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन डेट क्लिक, फिर कॉमा, फिर टू डे ब्रैकेट ओपन क्लोज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, फिर एम डी इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज इंटर करोगे तो डे भी आ जाएगा। उसके बाद इज इक्वल टू लगाओगे, फिर यहाँ पर दिन निकालना है तो टेक्स्ट लिखकर ब्रैकेट ओपन कर डेट को क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा एक दो बार डी लगाकर इन्वर्टेड कॉमा लगाकर ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करोगे ना, तो ऐसे नंबर्स में आएगा, मतलब कि कौन सा दिन था, मतलब कि तारीख कौन सी थी ये, उसके बाद तारीख आ जाएगी। फिर अगर आप यहाँ पर तीन बार डी लगाओगे तो यहाँ पर इंग्लिश में बता देगा दिन कौन सा था। उसके बाद यहाँ पर अगर चार बार डी टाइप करोगे तो फिर आपको यहाँ से फुल नेम बता देगा कौन सा दिन था वो आपका। उसके बाद जैसे ही इंटर करोगे तो यहाँ आपका यहाँ पर बता देगा दिन कौन सा था। उसके बाद सबसे पहले आपने ये करना है, क्या सबको ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ऑल बॉर्डर्स पर क्लिक करना है। तो उम्मीद करता हूँ सबको ये क्लास समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए